नए घर को सजाया बहुत ही खूबसूरत तरीके से। एवरीवन वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू अवर चैनल कनिष्का ट्यूटोरियल्स। आगे हम नए घर में, आज से हमने यहाँ पे ही रहना है, यहाँ पे ही सब कुछ करना है। लेकिन हाँ, अभी किचन की पूजा नहीं हुई है तो हम कुछ खा पी नहीं सकते और चार दिन मेरे को बाहर से ही खाना पड़ेगा। ट्राई करूंगी कि हेल्दी खाऊं, लेकिन आप देख सकते हो कि मेरा सारा सामान आ गया और मैंने कपड़े सेट करने अपने वार्डरोब्स में लगा दिए हैं। एक बार तो जैसे समझ आ रहा है वैसे लगा रहा है, क्योंकि हैंगर्स वगैरह हमने अमेजोन पे ऑर्डर डाल रखे हैं, कुछ चीजें यहाँ से ऑर्डर डाल रखी हैं, तो जैसे जैसे चीजें आएंगी हम सारी चीजें सेट करेंगे। फिलहाल गुड न्यूज ये है कि हम हो गए नए घर में शिफ्ट और मजा आ रहा है। मतलब हम कल जब रात को यहाँ सोए और हम नोना के रूम में सोए थे तो बालकनी के साथ कनेक्टेड है, इतनी ज्यादा अच्छी हवा थी, मेरे को पंखा भी नहीं चलाना पड़ा। पिछले 5 दिन से हमारे पुराने वाले घर में ना फैन है ना एसी है और हम वहां पे गर्मी में सो रहे थे, इतनी हालत खराब हो रही थी, रात को पसीना आता था क्योंकि मैं वर्कआउट करती हूँ, वैसे भी मेरी बॉडी की तासीर गर्म है तो मुझे वैसे ही बहुत गर्मी लगती है। कल जब हम आए ना, वो 5 दिन की कसर निकल गई। इतनी बढ़िया नींद आई, इतनी बढ़िया नींद आई कि मैं जिंदगी में कभी 6 बजे नहीं उठी हूँ और मैं 2 घंटे लेट उठी हूँ, मेरा उठने का ही मन नहीं था। सो अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी बात, अच्छा इसलिए ज्यादा लग रहा है कि इतने टाइम से जो मेहनत करते आ रहे हैं उसका फल मिल गया, फाइनली शिफ्ट हो रहे हैं एंड फाइनली अपने सपनों की दुनिया में एंटर कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे वीडियोस दें। एंड थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया। तो गाइस, आप लोग प्लीज मुझे ये मत कहना कि आई हम निशा अरोड़ा की बेटी एक टी शर्ट पहन के घूम रही है। हम नए घर में आ गए हैं और सामान सेट कर रहे हैं। किचन नहीं है हमारे पास, सिलेंडर नहीं अभी चलाना, 1 तारीख को पूजा होगी तो पूजा से पहले हमें सिलेंडर नहीं चलाना। दोपहर के 2 बज गए हैं, ब्रेकफास्ट किया नहीं है तो भाई जो खा रही हूँ वही दिखा रही हूँ। ये मैंने मंगाया है कुलचे और साथ में चने, नोना कचौरी के साथ खाएगी, मैं इसके साथ साथ में मंगवाया है एक हेल्दी सैंडविच और एक इडली और एक प्लेट इडली मंगाई है। तो इडली और सैंडविच मतलब मेरा हेल्दी मील था, ये मैं खाऊंगी, साथ में एक आधा कुलचा, मेरा को मन कर रहा है क्योंकि 2 दिन से खाना नहीं खाया ढंग से, तो आज की डाइट तो भाई यही है। और इसी वजह से इंस्टाग्राम पे जो चैलेंज चला उसमें 1 दिन की डाइट नहीं डाली क्योंकि मैंने की नहीं डाइट, मैं पूरा दिन भूखी थी, मेरा चेहरा देखो आंखें अंदर चली हुई है। बस आप बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद सुकून की नींद सोएंगे और फिर आपके साथ अच्छी वीडियो शेयर करेंगे। और जिसको घर को पूरे अच्छे तरीके से वीडियो देखना वो कमेंट में बताओ कि हमें आपका पूरा घर दिखा देना, एकदम डेकोरेट हुआ हुआ, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे, होम टूर। ये आराम से यार, मम्मा जिसमें ब्लू लाइट जग रही है वो वाला बटन है। आप सामने अंदर बैठ कर देख लो एक बार, ऊंचा तो अब लग रहा है हमारे घर में वॉलपेपर। आप देखो लाइट पड़ रही है, हाँ अच्छा लग रहा है। अब मम्मा आप क्या देखोगे? क्या देखोगे? अब मैं देखूंगी नेटफ्लिक्स। अच्छा, आती है चलानी? सीखूंगी, दुनिया में हर काम सीखना पड़ता है। मम्मी मैंने 10 बार दिखा दिया व्लॉग्स में, वो व्लॉग नहीं देखता तो मेरी क्या गलती। कितनी मशक्कत कर रहे हैं मम्मा अपन, करनी पड़ेगी। किसको चला रहे? जल कुकड़ों को फैलाना, थोड़ा इसको फैला दो, दो ही बंच अगर इसके लगा दें। नहीं नहीं, एसी वाले वो तो बहुत अच्छे थे, मेरे को दिखाना कैसे। थैंक यू, लव यू। सारी का मैम खाना बना के लाए हैं, खाना नहीं मिल रहा यार, क्या ये भी तक ये ले आपका सैलेड। थैंक यू, इसके लिए तो मैं तरस। नहीं, श्वेता मैम का भी फोन आया था क्या इससे? उन्होंने ना चिली नगेट बना के ग्रुप में डाला होगा कि मैं खा नहीं रही पर मैं बच्चों को खिला रही हूं। श्वेता मकड़ मैम, अच्छा जी, मैं बच्चों को खिला रही हूँ। इसने कहीं मैसेज डाल दिया, यहाँ मैं भूखी बैठी हूँ और आप चीज भी कुछ खा रहे हो। तो फोन आ गया कि मैं अभी गई राइस बना के बैठ रही हूँ क्योंकि मैंने तो एक्चुअली क्या है, मैंने राजा चावल मिला, जितनी मेहनत की ना आपने, सच में आपको बहुत अच्छा फल मिला।
मुझे बहुत खुशी है कि आपने आपने मेरी मेहनत देखी है ना, पहले दिन से देखी है, पहले दिन से देखी, तो आपको पता है कि क्या स्ट्रगल रहा है। सारी का मैम पुराने जिम में पहले दिन से मिल रही हूँ आपसे, पहले दिन से आपके पहले जिम की ओपनिंग वाले दिन भी मैं आई हुई हूँ, तब मैं इनको मतलब इतना हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ था। इन्होंने बोला कि मैं आपके बहुत टाइम से वीडियो देख रही हूँ और मैं आपको जानती हूँ, और ओपनिंग वाले दिन मैम आए थे ऐसी कि ये निशा घूमते घूमते आए थे है ना, नहीं घूमते नहीं एक्चुअली, मुझे स्पेशल गिफ्ट देके एक दिन पहले मिलने आई थी, तो मैडम ने बोला था कल ओपनिंग है आपने आना जरूर है, और मैं आई थी, लोगों ने मुझे कहा उसने कहा तू चली जाएगी, मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी, मैं तो फैन हूं, और उस दिन से मतलब हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई हुई है। मम्मा बाहर निकल के बालकनी में जो दो जाने बैठे वो दिखाओ, आपकी वो बेला देखने में बहुत सुंदर है लेकिन हाथ में उठाने के लिए वो करने के लिए, वाह उनको तो कैद में है, बुलबुल वाला काम कर रखा है। ये तो सारी ग्रास बिखेर देती रात को, इसको आदत है ना ग्रास से मैट दे के सुसु करने की। हेलो भैया, नमन कहेगा फिर नहीं लाए मेरे को, तो आगे से नमन को फोन किया कर कि मुझे ना लंच डीलर दे जाओ, उसकी मम्मी बनाएगी और तेरे को नमन का भी नमन को कहा देख ये मेरा लाला ये किधर नहीं रुकेगा, नमन होता तो 4 घंटे रोक लेती, वो रुका रहा नमन। थैंक यू, दिखा दो यार ऐसे लाई है, थैंक यू, मेरे में मजाक कर रही थी, चलो थैंक यू। आपका भाई मैंने हंसा दिया, हंसा दिया मैंने आपका भाई। सो गाइस अभी हम लेने आए हुए हैं घर के लिए एक छोटा सा हैंडल। मम्मा इसके बाद क्या काम करने जाना है? इसके बाद हम पहले जिम जाएंगे, जिम जाके हमने किचन अपनी इतनी अच्छी सेट की है ना, देखना मत भूलना मजा आ जाएगा। आने वाले ब्लॉग्स में जरूर, मेरा रूम भी सेट हो गया, नूना का रह गया, जाके पहले नूना का रूम सेट करेंगे, उसके बाद कल थोड़ा सा अपने आपको टाइम देंगे फेशियल का और इन सब चीजों का। मम्मा तो बहुत ही थके पड़े, इस शॉप पे ना हमने 4 साल ना बहुत चक्कर निकाले हैं, ऐसा लगा दूसरा घर है इधर हमारा, हमारी जिम का घर का सारा सामान इसी शॉप से गया, 4 साल से हम चक्कर लगाए, आराम करेंगे। मम्मा अब ना मुँह कितना सुंदर लग रहा है धूप पड़ते, क्या So, अभी मम्मा और मैं डाल रहे हैं कुशन कवर्स, हम आपको पूरा लुक दिखाएंगे इस रूम का, बहुत जल्दी होम टूर आने वाला है। मम्मा कितने का कुशन है? 1050 रुपीज का एक पीस। ओ माय गॉड, अब मैंने इतना महंगा घर बनाया है तो कुशन भी महंगे होने चाहिए ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अरे घुमा क्यों रहे हो? अरे वाह, ये कहाँ से लेकर आए हो? बहुत प्यारा कंफर्टर सेट है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है, इतना अमेजिंग लगे ना, मतलब मेरे को आज मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है कि कल इनॉग्रेशन है, इतने दिन से नहीं हो रही, तुम्हें इतनी थकान फेस देखो कैसे उतरा पड़ा है, लेकिन मतलब ऐसे लग रहा है कि थकान नहीं फील हो रही, पिछले तकरीबन 20 दिन से रेगुलर कार्टन पैक हो रहे हैं फिर उसको यहाँ उठा के ला रहे हैं, एंड अब यू वॉन्ट बिलीव कि एक एक कार्टन हमने पैक खुद किया, एक एक हमने खोल के एक एक सामान हम खुद सेट कर रहे हैं, उसके अलावा हम ये दरवाजे साफ कर रहे हैं, विंडोज साफ कर रहे हैं, जगह जगह मिट्टी थी। अभी घर नहीं दिखाऊंगी, फुल जूम करके दिखा रही हूँ आपको, हाँ, ताकि घर ना दिखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं घर दिखाऊंगी ना आपको वाकई लगेगा कि ये जो मैं 4 साल में, आप बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया आप अपना चेहरा देखो, फिटनेस का क्या फायदा, आपका चेहरा तो डाउन हो चुका है, आप अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी लगती हो, आप तो 39 की नहीं लगती, तो भाई जब इंसान को एक लालच होता है ना कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है और उस लालच के बदले में उसको वो पैसा मिल रहा है जिससे वो अपने सपने पूरे कर रहा है, तब इंसान को ना तो थकान होती है, ना उसको अपनी शक्ल दिखती है, ना उसको अपनी बॉडी दिखती है। मैंने तो फिर भी अपनी बॉडी को इतना अच्छे से मेंटेन किया इन 4 सालों में कि मैंने मेरा वेट जो है वो ज्यादा गेन नहीं होने दिया, मैंने अपने आप को फिट भी रखा, क्लासेस भी लगाई, जिम भी संभाला एज एन ओनर, यूट्यूब भी संभाला, इंस्टाग्राम भी संभाला, साथ साथ यहाँ पे एक कमरा बनाने के लिए ना अगर एक औरत को बोल दिया जाए ना कि आप एक कमरा बनाओ तो लिटरली वो आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि मिस्त्री इतना परेशान कर देते हैं, और ये रियलिटी आप में से जिसने घर बनाया होगा आपको पता होगा,
आप सोचो मैंने बिल्डिंग खड़ी किया, मुझे कितना जोर आया होगा, हर रोज किसी ना किसी मिस्त्री ने कोई नुकसान कर देना, हर रोज चीजें मार्केट से सेलेक्ट करके, इवन एक एक कील भी ना, एक एक हैंडल भी हम लोगों ने चूज किया कि ये लगाना है यहाँ पे, एक एक बटन हम लोगों ने चूज किया, सॉलिड चीज ली, और आसान नहीं होता हर दुकान पे जाके। पहले अगर आपको कोई चीज सेलेक्ट करनी है, आपको 5 दुकानें घूमनी है, 5 दुकानों से चीजें देखनी है, फिर घर आके दिमाग लगाना है कहाँ से उठाएं, फिर वापस वो 2 दुकानें 3 दुकानें जो हम सेलेक्ट करते हैं, फिर वहां जाना, फिर उनमें से एक से सामान उठाना, फिर वो सामान आएगा उसको तरीके से लगवाना, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। किचन में रोटी बनानी जितनी मुश्किल है ना, उतना ही मुश्किल ये काम भी है। तो आप ये कभी मत बोला करो कि तुम फीमेल्स हो, तुम क्या कर लोगी जिंदगी में, फीमेल्स सब कुछ कर सकते हैं। मैं जितने भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं ना, मैं सबको यही बोलूंगी, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, फिर सब कुछ आसान है। छोटी सी लाइन है, अगर अंदर जज्बा है सब कुछ आसान है, क्योंकि फिर अपने आप ही हिम्मत आती रहती है, एक के बाद एक स्टेप जब इंसान चढ़ता है तो अपने आप हिम्मत आती रहती है। और मुझे देख लो यार, मैंने कितनी हिम्मत दिखाई एज अ सिंगल पेरेंट, मैं अपनी बच्ची को इतने अच्छे से टेक केयर करके भी मैं ये सारा कुछ खड़ा कर पाई हूँ। और मैं कभी भी किसी भी इंसान को, कोई भी फीमेल है, कोई भी लड़की है, जितना मैं किसी को मोटिवेट कर सकती हूँ ना, मैं करती हूँ, हमेशा यही सिखाती हूँ कि नहीं। ओ, ये कहाँ से आ गई? मम्मा सुसु तो नहीं कर रही, उठाओ इसको। बैलू ये ले, नहीं घर की खुशी, जाओ जाओ, ये लो चीजी, ये लो चीजी, अभी आएगी उसको पता है। मैं ना मोर दूंगी, अभी ये सारा सामान खोल खोल कर हम इसके अंदर रख रहे हैं। पूजा मैम का रूही की मम्मा का सेट है ये दिया हुआ है ना। हाँ बहुत अच्छा। पता है मैंने कब सोचा था कि मैं इसमें YouTube वीडियो बनाऊंगी? एक साल नहीं बेटा, पुराने जिम के इनोग्रेशन पे दिया था शायद, इस जिम के इनोग्रेशन पर ही दिया था, इस जिम के इनोग्रेशन पे दिया था शायद। हाँ, साल होने वाला हो गया फिर तो। कितनी प्यारी प्लेट्स है। अब पूजा इसमें मैं बनाऊंगी कटलेट्स 2 अलग तरह के, और फिर हम पूजा जी को इनवाइट करेंगे। आप ही को इनवाइट करूंगी, सबसे पहले आपको खिला दूंगी। सुंदर है ना? हाय, अपने बाल ना मिट्टी से भर गए। मम्मा उधर तो नहीं आएगी, आपने पता है कहाँ पर? सो गाइस अब आ गए हैं प्लांट्स, और ये हमारा माली लगा रहा है। अरे यार ये कितने सुंदर है, कमेंट करके बताओ कौन सा आपको ज्यादा सुंदर लगा, ये पर्पल, ये वाला या फिर ये वाला। अभी और भी लेकर आ रही है मम्मा। फ्रिज में से बर्फ भी निकलती है, खोलना नहीं पड़ता, फ्रिज में से वो क्रश बर्फ भी आ रही है ना, कितना पैसा लगता होगा ना मम्मा। मैं सिर्फ सुनती थी, मैंने इसको कभी नहीं बोला कि मैं अपन जिंदगी में कभी लेंगे, क्योंकि पता ही नहीं था लाइफ में क्या होना क्या नहीं। आप जब गए ना तो डिस्पेंसर वाले का रेट ज्यादा था, और विदाउट डिस्पेंसर वाले का रेट में 20,000 का था, तो ये कहते कि नहीं मम्मा जिसका रेट कम है ना वो ले लेते हैं। अपने को क्या है, फ्रिज अपन दोनों ने तो यूज करना है, किसने देखना है, एक बार की शो ऑफ है लोगों के सामने। मैं क्या, मेरे को किसी के सामने शो ऑफ नहीं करना, आज भी यहाँ पे है तो मेरे को डिस्पेंसर वाला लेना है, कोई बात नहीं, अपने कपड़े नहीं लेंगे, कम पहन लेंगे, पर फ्रिज मुझे डिस्पेंसर वाला लेना। अपन ने मोर पे कपड़े बनाए, इवन मैंने मम्मा को कहा, मैंने कहा मम्मा नहीं आ रहा ना, पुट्ठा भेज दो छोटा ले आते हैं। मम्मा कहती नहीं, आपका जो मिडल काउंटर डिजाइन किया गया ना, वो डिजाइन करते टाइम ना वो किचन वालों ने ये नहीं देखा कि जो फ्रिज का साइज है वो फ्रिज को घुमाएंगे कैसे। तो मैंने कहा भैया मेरे को चेंज करना पड़ेगा, कहते हैं आप कहीं भी चेंज करो, जो फ्रेंच डोर फ्रिज है साइज यही आएगा, आप विदाउट डिस्पेंसर भी ले लो, कोई भी दूसरा ले लो, अगर फ्रेंच डोर में चाहिए यही साइज है। आपके नाप लेके गए हो, क्योंकि मैंने आपको इसलिए पहले बोला था कि नाप ले लो, अगर आपको नाप सेट बैठता है, आपको लगता है मेरा फ्रिज आ जाएगा, मैंने तभी ऑर्डर लेना। मैं कहा पीछे से वहाँ से टीम आई है, 2 बार नाप लेके गई है आपने, दोनों का मुझे ओके किया, उसके बाद मैं फ्रिज ऑर्डर करके आई। और अब आप कह रहे हो मेरे को मेरी टेंशन है, आपकी टेंशन है इसकी पैसे सेट होगा, कहते हैं मैडम कोई नहीं, अब हमारी तरफ से हेल्प हम करेंगे। फिर उन्होंने पता फ्रिज को कैसे उठाया, ये लड़का ना यूँ करके उठाया, उसको लेटा दिया, आप ही शेल्फ के बीचों बीच से फ्रिज उधर यहाँ सीधा किया, फिर घुमा के निकल। इसको देती हूँ चीज, ये है क्या, दिखा, ये लो, मुझे तो दिख रही नहीं दिया, शॉर्पनर है डोरेमोन वाला, पेंसिल छीलने वाला शॉर्पनर, पेंसिल डालेंगे उसको, इसमें पेंसिल डालोगे ना, मैंने एक दिन नहीं चलाया, मैं ले लेती थी बस। स्कूल में टीचरें मारती थी ये चीजें लाते थे तो,
बच्चे बिगड़ते हैं ना, इसलिए यूज ही नहीं किया। इसमें पेंसिल डालोगे ना, फिर इसको पीछे से घुमा देना। छोटी आपको ऐसे पता चला? नारियल ना पानी मीठा ही नहीं था उसका, बिल्कुल भी। एक तो पुराना था, एक वाले में हल्का सा जैसे वो नारियल बड़ा बड़ा गल नहीं जाता हल्का सा, उसमें दवाई जैसी आती है। आप ये नहीं पियोगे, ये मैं पियूंगी जिसमें स्मेल आ रही। मैं क्योंकि हूँ मैं ही पियूंगी, आप अच्छे वाला ही पियो। मेरे को कहती है आप बहुत मेहनत करते हो, आप अच्छे वाला ही पियो। मैं कोई बात नहीं, मैं पी लूंगी। नहीं, मैंने कहते आप अच्छे वाला ही पियोगे। इसने मेरे को वही अच्छे वाला ही पिलाया, खुद बियर जैसे स्मेल। हाँ, तो फिर मैंने वो स्मेल वाला पीकर आलू के परांठे मेरी हमारे। फोटो तो दिखाओ मेरे। ये इसका ना, इसका अभी ये हो गई है 18 साल की। मम्मा 19 के छोटे, 9th के 10th बर्थडे था इसका, ठीक है। और ये सारे परिवार वाले हैं हमारे। ये देखो मैं कितनी मोटी थी। तो फिर लोग कहते हैं कि मैडम झूठ बोलती है, मैडम मोटी नहीं थी। आप देखो चेहरा देखो मेरा, कितनी मोटी थी। करता था पता नहीं चला बस। पेट देखना मेरा, लोग कहते हैं मैं मोटी नहीं थी, पेट देखो। यहाँ पे ना मैं 80 किलो की थी। कोई कहती टेंशन से पतले होते हैं आप मोटे। ये मेरी मासी है, ये वाली। हाँ, ये बैठी। पेट देखो, हाय हाय, मुझे देख के कुछ होता है। मेरा मुंह देखो कितना मोटा था। मैं कह रही हूँ मैं हंसती थी ना, मेरे गाल मार आ जाते थे। आप गाना गा रहे थे कि माइक लेके, माइक लेके एंकरिंग की थी ना, गेम खिलाई थी मैंने। मैं कह रही हूँ 5 मिनट रुको, खेल कर आऊंगी, ठीक है। ये मेरे ताया ताई, उनकी बेटी। ये मेरा भाई है। ये इसके ताया ताई, ताया और ताई जी हैं, उनके बच्चे हैं दोनों। ये मेरी भतीजी है, इसको तो मैंने मैं बहुत प्यार करती हूँ इसको। हाँ, ये आपकी बेटी जितनी हो गई। अच्छा, ये मेरी मम्मी। जब मैंने इसका ये बर्थडे मनाया था ना दीदी, तब उस टाइम पे 20-25 हजार रुपए लगे थे। बड़े औखे मैंने पैसे कटे थे, तब पैसे नहीं होते थे। बड़ा औखा बर्थडे मनाया था, तो एक ही बर्थडे मनाया था इसका। अच्छा, मैंने रिश्तेदारों को बुला के, तो भी मैं सब हाय हाय कर रही हूं। ये मेरी बहन का बेटा, आंखें फोटो तो वो खिंचवा रहा है, फारा हुआ है उसकी। इसकी आंखें बहुत बढ़िया हैं। अरे ये अब इसने अपनी आंखों, मेरी आंखें भी दीदी ऐसी हैं, मेरी भी आंखें ऐसी हैं। बस मम्मी रो रो कर खराब कर ली, बस ऐसी जिंदगी में रोए बहुत, आंखें खराब हो गई।